भाई फेसबुक पर आप प्रॉब्लम फेस करें और इसके ऊपर हम वीडियो ना बनाए, ऐसा हो सकता है क्या? फेसबुक के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम थे उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी टोटल वीडियोस बना रखे हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट करो हमारा प्लेलिस्ट। फिलहाल हम बात करते हैं उसके बारे में जिसके आपको ज़रूरत है, यानी कि आपने इस वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर इस वीडियो पे क्लिक किया तो ज़रूर आपको इस वीडियो से काम है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको दो काम करना, पहले तो कैसे इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करने से हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है और साथ ही पता चलता है हमारी वीडियो कितने लोगों को पसंद आ रही है। एंड सेकेंड काम ये गाइस कि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं तो वहाँ आपको रेड बटन दिख रहा है उससे दबा कर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेशर के ऑल पे सेट कर देना, ताकि जो हमारे नए नए लेटेस्ट वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगी। तो चलिए गाइस अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले कि कैसे आप अपना फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हो, डीएक्टिवेट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हाँ भाई कुछ झगड़ा होता है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उनकी वजह से वो लोग अपना अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती है इस वजह से। ठीक है, तो बहुत लोगों को ये वीडियो देखने को मिल चुका होगा, यूट्यूब में आप लोगों को बहुत वीडियोज़ देखने को मिला होगा कि कैसे हम डिलीट कर सकते हैं। बट गाइज, क्या आपको पता है कि पुराने वाले फेसबुक में जो अपडेट्स वगैरह, जो फीचर वगैरह, जो सेटिंग वगैरह हैं, जो ऑप्शंस वगैरह, वो अब चेंज हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये जो न्यू अपडेट आ चुका है ना फेसबुक में, वो आपको इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप पुराने वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में तो आएगा, बट आपको फेसबुक में वो ऑप्शन शो नहीं करेगा, नहीं देखने को मिलेगा, फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करना भाई, आपको पता चल जाएगा कैसे हम अपना फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। और गाइस, अगर आपको फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम और यूट्यूब के रिलेटेड अगर कोई क्वारीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भाई, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, तो कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तो उसके ऊपर हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आ जाएंगे भाई। जो हमारे फैमिली को यानी हमारे सब्सक्राइबर्स को प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर तो हम ज़रूर वीडियोस लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस अब बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको दो काम करना है, पहले तो गाइस इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करने से हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है और साथ ही पता चलता है हमारी वीडियोज़ कितने लोगों को पसंद आ रही हैं। एंड सेकेंड काम ये गाइस कि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं है तो वहाँ आपको रेड बटन दिख रहा है उसे दबा कर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना, ताकि जो हमारे नए नए लेटेस्ट वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए गाइस अब बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली आपको करना क्या, पहले तो अपने फेसबुक अकाउंट को प्ले स्टोर में जाकर अपडेट कर लेना, तब आपको ऑप्शन यहाँ पर शो कर सके। ठीक है, बिकॉज फेसबुक को अपडेट करने के बाद इस एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ पर जैसे कि ये मेरा अकाउंट शो कर रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फेसबुक में यहाँ पर थ्री लाइन का ऑप्शन दिखता है, उस पर क्लिक करना और यहाँ पर सबसे नीचे सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना। सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे में दिख रहा है सेटिंग्स। ठीक है, प्राइवेसी शॉर्टकट से ऊपर में एक और सेटिंग्स है। ठीक है, तो सेटिंग्स में क्लिक करते हैं। सेटिंग्स में जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर हमारे अकाउंट्स प्रेफरेंस, ऑडियंस एंड विजिबिलिटी है, तो मुझे सबसे ऊपर में जाना है पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन में। उसमें जाते ही आपको सबसे नीचे यानी चौथा वाला जो ऑप्शन है अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल, तो उस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको शो हो जाएगा डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, डीएक्टिवेट अकाउंट करना या फिर डिलीट अकाउंट। गाइस यहाँ पर बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है अगर आप डीएक्टिवेट पे क्लिक करके कर देते हैं तो। डीएक्टिवेट का मतलब क्या है कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट तो हो जाएगा बट आपके जो सर्च लिस्ट में ज़रूर आएंगे, अगर कोई अदर पर्सन आपका नाम सर्च करेंगे तो वहाँ ज़रूर शो करेगा। तो आपको करना कि यहाँ पर डिलीट अकाउंट पर क्लिक करना है, चूज़ कर लेना, उसके बाद कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आता है कुछ, यहाँ पर आपको बिफोर यू डिलीट वी मे बी एबल टू हेल्प, क्या आपके कुछ हेल्प कर सकते हैं, तो नहीं। ठीक है, तो कंटिन्यू अकाउंट डिलीशन पे फिर से क्लिक करना आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको गाइस फिर से यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखने लग जाता है, तो फिर आपको सबसे नीचे डिलीट अकाउंट को ब्लू वाले डब्बे में मिल जाता है, तो आपको डिलीट अकाउंट पर क्लिक करना। उसके बाद गाइस मैं अपना अकाउंट तो डिलीट करने वाला नहीं हूँ, बट मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है, अपना फेसबुक अकाउंट का जो पासवर्ड है वो यहाँ पर आपको इंटर कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जैसे आप कंटिन्यू
कंटिन्यू पे क्लिक करोगे ना तो आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा और 30 दिन के बाद आपका कहीं भी, अगर आप कहीं भी लॉगिन करोगे तो 30 दिन के बाद तो लॉगिन होगा ही नहीं, और 30 दिन से पहले आप लॉगिन भी मत करना, तो उससे शायद ही आपका अकाउंट रिकवर हो जाए। तो आपको डिलीट करने के बाद 30 दिन के अंदर आपको लॉगिन नहीं करना, 30 दिन के बाद आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये मत सोचोगे कि डिलीट नहीं होगा, डिलीट तो हो चुका है, ठीक है, तो डिलीट हो जाएगा, आप टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप अपने अकाउंट को डिलीट कर सकते हो। आई होप गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना और भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलिए आप वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा फुल वॉच करने के लिए। तो मिलते हैं इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड विद डॉक्टर एरर यूट्यूब चैनल।